सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य चंद्र सागर जी महाराज की जय। छुल्लक महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सुबह इस नीति वाक्य अमृत ग्रंथ के 14 सूत्रों का वाचन हुआ। धर्म समुद्देश नाम का यह जो अभी चैप्टर चल रहा है, इसमें आगे 15वां सूत्र पढ़ते हैं। स खलु कस्यापि माभूदर्थो यत्रा संविभाग शरणागतानाम। यहाँ कहते हैं कि ऐसा अर्थ किसी के लिए भी ना होवे, इतना धन या ऐसा धन किसी के पास ना होवे जिस धन के माध्यम से शरणागतों के लिए संविभाग ना किया जाए। यानी उस व्यक्ति का धन ग्रहण करना व्यर्थ है, उस व्यक्ति के पास धन होना भी व्यर्थ है जो अपने शरणागतों के लिए किसी भी तरह का भरण पोषण नहीं कर सकता, जो अपने आश्रितों का किसी भी तरह से भरण पोषण नहीं कर सकता, उन्हें संभाल नहीं सकता, ऐसे उस कृपण का धन भी व्यर्थ होता है। यानी धन जो प्राप्त किया जाता है वह धन भले ही मेहनत से प्राप्त हो, अपने पुण्य से प्राप्त हो, लेकिन उस धन का उपयोग करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपके पास में धन है और अगर कोई आपसे शरण मांगने आया है, कोई शरणागत आपके समक्ष किसी भी तरह से अपनी विनती लेकर के आया है और आप अगर उसे देने में समर्थ हैं तो वह धन का सही उपयोग माना जाता है। यह विचार भी सभी व्यक्तियों के अंदर होना ही चाहिए कि हम अपने धन के माध्यम से दूसरे जीवों के लिए हमेशा हितकारी कार्य करने में उस धन का सदुपयोग करते रहें। आगे कहते हैं अगर यह धन का उपयोग हम नहीं करते हैं तो इस धन के माध्यम से हमें क्या फल मिल सकता है, या जो धन है उसके क्या फल होने चाहिए। उस धन के दो ही फल होते हैं जो यहां आगे बताए जा रहे हैं। अर्थसु संविभाग स्वयं उपभोगश्चा अर्थस्य ही द्वे फले नास्ति औचित्यम एकांत लुब्धस्य। कहा जा रहा है अर्थसु संविभाग है, जो धन के लिए जिसके लिए जरूरत है उसके लिए कुछ संविभाग करना, उसके लिए कुछ धन प्रदान करना, यह उस धन का पहला उपयोग है, उसका ये पहला फल है। और दूसरा फल स्वयं उपभोगश्च अर्थस्य ही द्वे फले, धन के ये दो ही फल हैं, या तो उसके लिए जिसकी जरूरत है उसके लिए संविभाग कर दिया जाए, दे दिया जाए, या उसका स्वयं उपभोग किया जाए। अन्यथा आप देखते हैं धन की तीसरी गति जो इसमें लिखी नहीं है उसका नाम है नाश हो जाना। धन के तीन ही काम होते हैं, या तो उसका स्वयं उपभोग किया जाए, या उससे दूसरों के लिए कुछ दिया जाए, भलाई में काम लिया जाए, अथवा अगर ये दोनों काम नहीं होते हैं तो तीसरा काम वह धन अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए जो एकांत रूप से धन में लुप्त होते हैं, नास्ति औचित्यम,
उनके लिए कोई औचित्य नाम का गुण तो रह ही नहीं जाता है। आगे बताएंगे औचित्य एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो एकांत रूप से लुप्त रहने वाले माने निरंतर जो लोभ से ही धन संग्रह करते हैं उनके लिए किसी भी तरह का ये लोभ करना उचित नहीं है। मंदिर आदि के निर्माण के लिए यदि दान करते हैं तो वो किस श्रेणी में आएगा? मंदिर आदि के निर्माण में लगने वाला धर्म भी जो सुबह धर्म पात्र बताए थे वो पात्र सभी होते हैं, धर्म पात्र में जाएगा। पात्र तो जिन बिंब भी हैं, जिन देव भी हैं, जिनालय भी हैं, पात्र उसी में जाएगा, है ना। लेकिन धन का उपयोग यही है, या तो दूसरों के काम में लगा दो, चाहे वो मंदिर के काम में हो, चाहे दूसरों के हित के काम में हो, या फिर उसके लिए स्वयं अपने काम में लगाओ। अधिक धन के प्रति लोभी होने वाले व्यक्ति जो एकांत रूप से लुब्ध हो जाते हैं वे उस धन के नाश से अपना भी नाश कर लेते हैं। क्योंकि ये भी आप देखते ही होंगे कृपणों का जो धन होता है वह कब निकल जाता है किसी को पता नहीं पड़ता है। चोर लुटेरे ये सब उनके धन को एक साथ इकट्ठा ले जाते हैं और कोई काम में नहीं आता, या उनका धन जहां पड़ा रह जाता वहीं सड़ जाता है, वह किसी के उपयोग में नहीं आता। अब यहां कहते हैं दान प्रिय वचनाभ्याम अन्यस्य ही संतोषोत्पादन मौचित्यम मौचित्यम औचित्यम। एक नीति है सभी गुण एक तरफ और औचित्य नाम का गुण एक तरफ। ये औचित्य एक बहुत बड़ा गुण होता है। कभी नाम सुना है? कौन सा गुण बोलो तो? औचित्य गुण। औचित्य गुण क्या कहलाता है वो यहां परिभाषा दी जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है। औचित्य गुण का मतलब होता है दान और प्रिय वचनों के द्वारा अन्य के लिए संतोष उत्पन्न करना, ये औचित्य गुण कहा गया है। दूसरों के लिए संतोष, उनको जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें उनके पास तक पहुंच जाएं, तो ये उनके लिए संतोष की चीजें होती हैं। और अगर हम वह नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रिय वचनों के माध्यम से हम उन्हें संतोष प्रदान करें, ये भी उनके लिए संतोष का कार्य होता है। जो व्यक्ति इन दो बातों पर ध्यान रखता है वह औचित्य गुण का पालन करके अपनी नैतिकता का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य कर लेता है। यह नैतिकता है दान और प्रिय वचनों के माध्यम से दूसरों को संतोष उत्पन्न करना, इसी का नाम औचित्य गुण है। और यह औचित्य गुण समय समय पर एक दूसरे के लिए जब दिया जाता है तभी सब काम चलते हैं। घर के सदस्य हैं, अगर घर के सदस्यों को आप ये दोनों चीजें देते रहें तो आपके घर के सदस्यों के माध्यम से आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा जाएगा। उनको संतोष रहेगा तो वो आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे। कोई भी ग्रुप होता है उसमें भी ये औचित्य गुण का पालन करना बहुत जरूरी होता है। कई नीतिकारों ने लिखा है सारे गुण तराजू पर एक तरफ रख दो और एक औचित्य नाम का गुण एक तरफ रख दो, ये भारी पड़ेगा। समय पर प्रिय वचन बोल करके उसे आश्वासन देना, संतोष उत्पन्न कराना, ढाढ़स बंधाना, ये औचित्य कहलाता है। और समय पर उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है उन पदार्थों को देकर या धन आदि को देकर के उसके लिए संतोष उत्पन्न कराना, यह भी औचित्य कहलाता है। ये दो ही प्रकार की चीजें औचित्य गुण में आती हैं। और इन दोनों चीजों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जो कर्तव्य किया जाता है वही हमारा नैतिक कर्तव्य कहलाता है। इसलिए औचित्य गुण आज सभी के अंदर अगर रहे तो बहुत कुछ लड़ाई झगड़े मन मुटाव अपने आप दूर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? औचित्य गुण मन मुटाव कब होता है? जब हम किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा तो करते हैं लेकिन हम
किसी के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल करके उसको धन्यवाद नहीं दे पाते तो क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है। कोई भी कार्य किसी ने किए, आदमी और कुछ नहीं सुनना चाहता है, बस यही सुनना चाहता है कि बस ये धन्यवाद ज्ञापित कर दें, उसको संतोष हो जाता है। किसी का नाम नहीं ले पाते हो, कभी किसी की बात कहते हुए भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो उसी में ही उसके लिए असंतोष हो जाता है। तो संतोष उत्पन्न होता रहे दूसरों को। आचार्यों के लिए भी कहा गया है, गढ़ को संतुष्ट करने वाले आचार्य होते हैं, गढ़ से संतुष्टि करा। संतोष उत्पन्न करने के लिए उनकी बात सुनना पड़ेगी और उनको प्रिय वचन बोल करके उन्हें संतोष किया जा सकता है। जब लोग किसी भी तरह से देवशास्त्र गुरु के प्रति अपनी भक्ति रखते हैं तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता देवशास्त्र गुरु से, उन्हें केवल इतना ही चाहिए होता है, बस प्रिय वचन मिल जाए और अच्छा आशीर्वाद मिल जाए, इतने में संतोष हो जाता है। बताओ और क्या चाहिए होता है। और इसके लिए आदमी कितना समय निकालता है, कितना पैसा खर्च करता है, और ये अगर उसको मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाता है। अगर कोई उसमें अप्रिय वचन बोल देता है तो उसे असंतोष हो जाता है। हम देखते रहते हैं, आहार होते हैं, भीड़ अधिक होती है, और कई बार बाहर से आने वाले लोग होते हैं, उन्हें आहार देना होता है, उनके लिए भी त्योहार है, सबके लिए त्योहार है, और अगर कोई उनको मना कर देता है या कोई अप्रिय बोल देता है तो उन्हें दुखी हो जाते हैं, बुरा लगता है, वो स्वाभाविक है। तो उस स्थिति में औचित्य गुण यही कहता है, किसी के लिए भी बुरा न बोला जाए, प्रिय वचन से सब व्यवस्थाएं बनाई जाए, कम से कम आदमी को देने को मिले या न मिले, लेकिन उसके लिए कोई भी अप्रिय वचन न बोला जाए। ये व्यवस्थापकों के लिए औचित्य गुणों का ध्यान रखने पर ही व्यवस्थाएं अच्छी बनती हैं। सब जगह व्यवस्थाएं, औचित्य गुण का आप जगह जगह पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, घर में करो, समाज में करो, समूह में करो, किसी भी तरह से प्रिय वचन और दान। दान माने जिसको जिस चीज के लिए आवश्यकता है वो अगर प्रदान कर दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। आप उसके माध्यम से किसी को भी संतोष दे करके उसे अपने प्रति अनुकूल बना सकते हो। ये औचित्य गुण है, इसलिए नैतिक कर्तव्यों में ये औचित्य गुण का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये उन्हीं के द्वारा पालन होगा जो धन के लोभी नहीं होंगे। कभी कभी आप कहो कि हम प्रिय वचनों से ही काम चला लेंगे और कुछ भी जेब से निकालेंगे नहीं, तो भी काम नहीं बनेगा, सामने वाला आपकी ये चालाकी समझ करके और आपसे रूठ जाएगा, है ना। बच्चा भी समझता है, रोजाना पापा कह देते हैं हाँ 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 दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे, और रोजाना कह देते हैं और कुछ दिलाते हैं नहीं, तो वो रूठ जाएगा। तो जो उसको चाहिए उसे देना पड़ेगा, वह दान के साथ में प्रिय वचन होंगे तो वह आपका औचित्य गुण सबको संतोष करने से आपके लिए भी वह नैतिक कर्तव्यों की पूर्णता करने वाला कहा जाएगा। तो आपको ये बात अवश्य ध्यान रखना है कि आज अनेक तरह से जो घर में कलह आदि होते हैं उनमें इन दोनों चीजों की कमी होती है। हम जिसके लिए जितना धन आदि देना चाहिए वो नहीं देते, और जिसके लिए जो हमें बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, इसी कारण से सास की, बहू की, दौरानी की, जिठानी की अनबन होने के ये बहुत बड़े कारण होते हैं और जो घर घर में चलते रहते हैं। होते कि नहीं होते? वो मुझसे बोलती नहीं, सास है तो बड़ी बहू से बोलती है, छोटी बहू से बोलती नहीं। अब सास का क्या बिगड़ जा रहा है, अगर बड़ी बहू से चार बातें करती तो दो बातें छोटी बहू से भी कर ले, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि नहीं, वो बड़ी से तो बात करती है, छोटी से नहीं करती है, और छोटी को जब ये लग जाता है तो बस वहीं से बातें बिगड़ते बिगड़ते बंटवारे की नौबत पर आ जाती हैं, हमें अलग रहना है, चलो जी यहां से चलो, मतलब ही क्या ऐसे घर में रहने का। क्या कमी हो गई? औचित्य गुण की कमी हो गई। सास के लिए दो बहू हों चाहे चार बहू हों, सब बराबर हैं। ये औचित्य गुण बड़ों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि बड़ों के द्वारा ही यह कर्तव्य अगर पूर्ण हो जाएगा तो छोटे संतुष्ट रहेंगे और ये गुण के माध्यम से ही घर कोई भी तरह का समूह अच्छे ढंग से चल पाता है। ये औचित्य गुण आप लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। स्कूल में भी एक बैच होता है या एक क्लासरूम होता है और उसमें भी एक टीचर होता है और अगर मान लो उसमें 20 या 30 बच्चे हैं और उन बच्चों में भी किसी से टीचर बात करते हैं और किसी से नहीं करते हैं तो भी बच्चे बुरा मान लेते हैं, बच्चों के अंदर एक इंफीरियरिटी आने लग जाती है। ये प्रिय वचन बोलना ये सबके लिए हर ग्रुप में बहुत ही बड़ा उन्हें संतोष करने का भाव उत्पन्न करना है और यही औचित्य गुण है। और इसी के नहीं होने पर कई बार बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं और वो लड़ाइयों का कारण यही, भाई तुमने हमसे तो कुछ बताया ही नहीं, तुमने हमको कुछ बोला ही नहीं। ये औचित्य गुण के अभाव में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो ये औचित्य गुण दान और प्रिय वचन इन दो के माध्यम से ही दूसरों को संतोष उत्पन्न कराता है ना। इसकी व्याख्या अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरह से की जा सकती है। अब सच्चा लोभी कौन है? लोभी तो सभी होते हैं लेकिन वास्तव में सच्चा लोभी कौन है? सखलु लुब्धो यह सत्सु विनियोगात आत्मना सह जन्मांतरेषु नयत्यर्थम। सच्चा लोभी तो वह जो धन आदि के होने पर सज्जनों को दान आदि देकर के भी जन्मांतर में अपने साथ में वह पुण्य ले जाता है, वह धन ले जाता है। सच्चा लोभी तो उसी को जानना चाहिए, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी अपना धन साथ लेकर के जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जो धन का लोभी होगा वो लोभी अगले जन्म में अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जा पाएगा, लेकिन जो धन का सदुपयोग करने वाला, कर्तव्यों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति होगा वह अपने धन के संविभाग के माध्यम से जो पुण्य अर्जित होगा उसको वह पर जन्म में लेकर के जाएगा और वहां पर भी उसे कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं पड़ेगी। ये उसके लिए परलोक में धन का ले जाना कहलाता है। ये सबसे बड़ा लोभी है। जैसे आप लोग कहते हो कि महाराज लोभ करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी हम धर्म का लोभ तो कर ही सकते हैं। बार बार हमें महाराज का आहार कराने का सौभाग्य मिले ऐसा भी लोभ तो कर ही सकते हैं। ये धर्म के लोभ, ये जो हमारे साथ में परलोक में जाने वाले हैं ऐसे धर्म के लोभ के माध्यम से जीव को हमेशा परलोक में भी धन धान्य संपदा की हमेशा उपलब्धियां रहती हैं। इसलिए ऐसे सच्चे लोभी की प्रशंसा करना और जो अपने लिए दूसरों को कोई भी संतोष न दे पाए वह लोभी अच्छा नहीं, उसके लिए कोई भी प्रशंसा करने की बात यहां नहीं कही गई। आगे कहते हैं अदातु प्रियालापो अन्यस्य लाभस्य अंतराय। अब देखो एक बात यह है, दो चीजें कही थी दान और प्रिय वचन। अब कोई कोई ऐसे लोग होते हैं वचन तो प्रिय बोलते हैं और देते कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो और किसी के पास गया और खूब अच्छी उसने अच्छे मीठी मीठी बातें कर ली और उसका सारा टाइम भी ले लिया, उसको आश्वासन भी दे दिया और दिया कुछ नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो क्या होगा? ये उसने अपने लिए भी लाभांतराय कर्म का बंद कर लिया, जो दूसरों के लाभ में उसने बाधा डाल दी। दूसरे को लाभ मिलता अगर वो उससे स्पष्ट बोल देता कि मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, तो जो देता तो है नहीं, केवल प्रिय वचनों से ही काम चलाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति उस याचक के लिए धोखा देने वाला होता है और उस याचक का लाभ कहीं दूसरे व्यक्ति से मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिल पाता तो उसके लिए भी वो अंतराय डाल देता है। ऐसे लोग होते हैं, बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं और उनके आश्वासन में कई लोग
महीनों सालों उलझे रहते हैं, समझ आ रहा है, घुमाते रहते हैं और वो घूमते रहते हैं बस, हाँ आजकल आजकल परसों अगले हफ्ता अगले महीने, और इस तरह के प्रलोभनों में वे उलझाए रखते हैं और उसके लिए कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो ये भी जानना कि ये उसके लाभ में अंतराय कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं। भविष्य में उन्हें भी अगर किसी से लाभ लेने की जरूरत पड़ेगी तो उनका यह अंतराय कर्म उनके आड़े आएगा, तो उन्हें भी वो लाभांतराय कर्म के माध्यम से लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ये लाभांतराय कर्म का बंध ऐसे हो जाता है। तो दूसरे के लाभ में बाधा नहीं बनना। अधिकतर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो ये जमीनों के काम आदि देखने वाले पटवारी लोग होते हैं, या है ना इस तरह के जो ये जिनकी फाइलें राजस्व विभाग के माध्यम से चलती रहती हैं, उनमें ये उलझने बनी रहती और ये लंबे लंबे समय इनमें निकलते जाते हैं। ये लाभ अंतराय कर्म के बंध के कारण होते हैं। ये उन लोगों को अगर पता रहे तो फाइलें जल्दी जल्दी निपटने लगे और आदमी के काम भी जल्दी जल्दी बनने लग जाए। सदैव दुस्थिता नाम को नाम बंधु। अब यहां कहते हैं देखो, अगर कोई हमेशा ही गरीबी बना रहता है, दरिद्री बना रहता है, तो धन की इतनी बड़ी उपयोगिता है कि गरीबों का कोई बंधु भी नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, एक युक्ति है। कांचन माने धन, वैभव, स्वर्ण आदि। जिसके पास में धन हो वह चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, चाहे लंगड़ा हो, सब उसका सम्मान करेंगे। और आदमी कितना ही गुणवान बना रहे लेकिन अगर उसके पास में धन नहीं है, कोई उसके सामने उसकी सहायता करने नहीं आता, कोई उसका बंधु नहीं बनता। ये भी एक नीति है, व्यवहारिकता में ये सब देखने को मिलता है। यहां वही सब बातें बताई जा रही हैं जो व्यवहारिकता में देखने को मिलती है। कौन बंधु होगा जो हमेशा दरिद्रता की स्थिति में पड़ा रहे? जो उसके अपने बंधु होंगे वो भी छोड़ छोड़ करके धीरे धीरे खिसक लेते हैं और वो बेचारा अकेला रह जाता है, जिसे अपने कर्मों के फलों से कुछ दुर्दिन देखने पड़ते हैं। तो हमेशा दरिद्र रहने वाले व्यक्तियों का भी कोई बंधु नहीं होता है, इसलिए धन का अर्जन भी जरूरी है। दरिद्रता अच्छी नहीं है, संतोष करना दरिद्रता में अच्छी बात नहीं है, धन का भी अर्जन करना है और अर्जन करके उसका संविभाग भी करना है। ये बड़े पुरुषार्थ की बात है, इसी का नाम तो पुरुषार्थ हुआ। धर्म का पुरुषार्थ यही कहलाएगा कि हम नैतिक कर्तव्यों का पूरा पालन करें, इसी का नाम है धर्म पुरुषार्थ। आज तक आप सुनते रहते होंगे धर्म अर्थ काम, ये पुरुषार्थ हैं। ये पुरुषार्थ कब कहलाएंगे पुरुषार्थ? तो धर्म पुरुषार्थ की बात कही जा रही है, अर्थ पुरुषार्थ की बात अभी आगे आएगी। तो धर्म पुरुषार्थ तभी पुरुषार्थ बनता है जब हमने कमाया तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से, और दिया हमने उसके लिए बिना किसी शर्त के, जो उसकी जरूरतमंद लोग हैं उनको दे दिया, इसी का नाम धर्म पुरुषार्थ। आप कहोगे कमाए हम और दें तुम्हें, ये कौन सा न्याय है? ये न्याय ही सबसे बड़ी नीति है जो धर्मात्माओं के अंदर तब आएगी जब वो धर्म पुरुषार्थ को समझेंगे। धर्म इसी का नाम है। जो लोग कहते हैं कि क्या मंदिर में ही जाने का नाम धर्म है, तो हम उनके लिए कह सकते हैं हाँ नहीं है, मंदिर में जाने का नाम धर्म नहीं है। आप अच्छा कमाइए और उसका संविभाग जरूरतमंद लोगों के साथ कीजिए, यह भी धर्म है। इसलिए धन होना भी जरूरी है लेकिन धन का लोभी होना जरूरी नहीं है। ये धर्म पुरुषार्थ हमें सिखाता है। नित्य मर्थय मानात का नाम नोद विजते। कहते हैं देखो, जहां दाता की बात की जाती है वहां याचक की भी बात कुछ बताई देते हैं। याचक भी ऐसा ना हो कि हमेशा याचना ही करता रहे। नित्य ही अर्थ को चाहने वाला या नित्य ही मांगने वाला ऐसे याचक से भला कौन उद्वेग को प्राप्त नहीं हो जाएगा, माने कौन ऊब नहीं जाएगा।
इसलिए याचना भी हमेशा नहीं करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को धन आदि की जरूरत पड़ती है, वह बार बार अगर धन को मांगते हैं और वह धन आदि को उन्हीं उन्हीं व्यक्तियों से वह बार बार मांग करके अपना काम चलाते हैं, तो उस ऐसी स्थिति में वो धनिक भी ऊब जाते हैं, देते नहीं है। ये तो आपके अनुभव की बातें हैं ना, है ना। तो धन मांगने का भी प्रयोजन कभी कभार ही अगर हो तो ही याचना करनी चाहिए, अन्यथा याचना करना ही अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है, दुर्गुण है। ऐसे धन की याचना से जब लोग ऊब जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी मनुष्य चाहे वह किसी भी तरह का क्यों ना हो, सदा मांगने वाले से हर लोग दुखी रहते हैं। इसलिए हमेशा घर में भी ये बात अगर लागू की जाए कि देखो भाई, हर समय डिमांड अच्छी नहीं होती है। बेटा हर समय पापा से डिमांड ना रखे, पत्नी हर समय पति से कोई डिमांड ना रखे, या पति भी पत्नी से ज्यादा डिमांड ना रखे, तो क्या होगा, उसका माइंड सही रहेगा। नहीं समझ आ रहा? डिमांड से कमांड नहीं रह जाती है। डिमांड ज्यादा होती है तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर फिर आपकी कमांड नहीं रह जाती है। इसलिए घर को सही ढंग से चलाने के लिए, गृहस्थी को सही ढंग से चलाने के लिए डिमांड कम होनी चाहिए। वो घर बड़े स्वर्ग कहलाते हैं, सुखी कहलाते हैं, जहां कभी किसी को कुछ मांगना ही नहीं पड़ता और सब काम होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? होता है, नहीं होता? ऐसा नहीं होता, कम होता है। आप सोचो अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो कि किसी को कुछ डिमांड करना ही नहीं पड़े और सब काम हो जाए, घर में सब चीजें आ जाए, सबसे सब काम मिल जाए, समय पर सब कुछ हो जाए। इस तरह की मांग भी कई बार घर के ही लोगों को ऊब उत्पन्न करा देती है, घर के ही सदस्यों के प्रति, चाहे वो कितने ही अपने घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो। अत्यधिक मांग, बार बार मांग अच्छी नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, है ना। हाँ, केकई ने भी एक ही बार मांगा था हाँ, और रामायण लग गई समझे ना। तो एक बार मांगने में जब इतनी बड़ी रामायण लिख जा सकती है, तो बार बार मांगने में महाभारत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए जितनी, जब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए, उसके बिना काम ही ना बने, तब कुछ कहना चाहिए। ऐसे घर में अगर सदस्य हो तो बड़े अच्छे माने जाते हैं। कई बेटे बेटियां ऐसे होते हैं जो घर में कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं है, मम्मी पापा से कुछ डिमांड ही नहीं करते, तो मम्मी पापा चिंता करते हैं कितना सुंदर बेटा है, कितना भोला है, कभी कुछ कहता ही नहीं महाराज, कभी कुछ मांगता ही नहीं। और इसका जो दूसरा भैया या दूसरी बहन, जब देखो तब ये मोबाइल खराब हो गया, ये नई कंपनी का चाहिए, ये स्कूटी चाहिए, ये चाहिए, ये शर्ट, ये स्कर्ट, समझ आ रहा है। ये डिमांड भी उस बच्चे की जो एक प्रियता है, घर में एक बच्चों की प्रिय बना रहता ना, जो सबके लिए प्रिय होते हैं, वो प्रियता में कमी लाती है ये डिमांड। अगर ये बात बच्चों को समझाई जाए तो बच्चे भी सीख सकते हैं, इन नीतियों के आधार पर चल करके बच्चे भी घर में प्रिय बन के रह सकते हैं सबके। कई बार होता है दो बच्चे होते हैं, चार बच्चे होते हैं, एक बच्चा कहता है हमारे लिए तो कहते हैं तब भी नहीं सुनते, और इनके लिए कुछ कहते नहीं है तब भी इनके पीछे पड़े रहते हैं, बताओ क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। उसका मूल कारण क्या होता है? यही होता है। जो बच्चे मांगते नहीं है उनके लिए माता पिता बार बार देने की कोशिश करते हैं, और जो बार बार मांगते रहते हैं उनकी अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए हमेशा मांगने वालों से व्यक्ति ऊब जाते हैं। इस सूत्र का भी इंप्लीमेंट सबके लिए होना चाहिए। अब आगे कहते हैं, दान और त्याग के बारे में बहुत कह दिया, थोड़ा सा तप के बारे में बताते हैं। इंद्रिय मनुषोर नियमानुष्ठानम तपः। कहते हैं तप क्या वस्तु है? इंद्रिय और मन के लिए जो हम नियम पूर्वक अनुष्ठान करते हैं उसी का नाम तप है। क्या कहा? इंद्रियां पांच होती हैं और मन होता है।
इनके लिए इसको नियमित करने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, नियम का मतलब होता है इसको बांधने के लिए जो हम अनुष्ठान करते हैं या इसको हम किसी एक काम में लगाने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं उसका नाम ही तप हो जाता है। इसीलिए सुबह कहा था जब बच्चे पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करना ही तप है। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा तप क्या? उनका अध्ययन करना। वो अगर स्टडी कर रहे हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि इसमें वो अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर रहे हैं और अपने मन को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो जिन कार्यों से अपना इंद्रिय और अपने मन दोनों नियंत्रित रहें, नियम से बंधे रहें, उसी का नाम तप है। जब आप संकल्प लेते हैं तो क्या करते हैं? इसी तरह से कोई नियम लेकर के ही उस संकल्प से बंधे रहने का प्रयास करते हैं और उस तप के माध्यम से आपके मन की इच्छाएं कंट्रोल हो जाती हैं। जब आप किसी एक अनुष्ठान में, एक काम में अपना ज्यादा टाइम लगाते हैं तो उसके माध्यम से आपके अंदर जो तप होता है वही तप आपकी किसी ना किसी प्रोग्रेस में काम आता है। इसलिए नियम के अनुष्ठान में मन और इंद्रियों को लगाए रखने का नाम क्या हो गया? तप। अब नियम क्या वस्तु है? विहित आचरणम निषिद्ध परिवर्जनम च नियम। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है और जनरल सूत्र है सबके लिए। वो नियम नहीं कि भाई तुम रात्रि भोजन का त्याग कर दो, कि तुम जो है ये कर दो वो कर दो, ये सब चीजें तो इसी सार्वभौमिक परिभाषा में गर्भित हो जाएंगी, लेकिन इस परिभाषा को कहीं पर भी लगाया जा सकता है। विहित आचरणम निषिद्ध परिवर्जनम च नियम। नियम किसे कहते हैं? जो आचरण जिस समय पर करना हो उसको करें, जो आचरण कहा गया है करने के लिए उसको करें, और जो निषिद्ध है उसको छोड़ें। इसका नाम ही क्या है? नियम है ना। मान लो कोई बच्चे का एग्जाम का टाइम आ गया। अब एग्जाम के टाइम पर बच्चे से कहा जाता है खेलो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया। उस बच्चे के लिए यही बार बार कहना उसके लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का काम बन जाता है। अगर बच्चा नियम की ये परिभाषा जाने तो वो अपने आप समझ लेगा कि हमारे लिए निषिद्ध का छोड़ना, निषिद्ध जो चीजें हैं उनसे हमें बचना है, और क्या करना है? जो कहा गया है वो आचरण हमें करना है। वो अगर अपनी स्वेच्छा से करने लग जाए तो ये उसकी तपस्या बन जाती है। अगर उससे बार बार कहा जाता है और फिर भी वो नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वह तप नहीं कर रहा है। तपस्या करने वाला जो विद्यार्थी होगा वो हमेशा वह आचरण अपने आप करता चला जाएगा जो उसे करना चाहिए। इसलिए जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो समय पर हमेशा पढ़ता चला जाता है और एग्जाम के टाइम पर भी बिल्कुल रिलैक्स रहता है। एग्जाम के टाइम पर भी वह सिर्फ सब्जेक्ट को याद नहीं करता है, दोहराता है। याद तो उसने पहले कर लिया होता है। अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं एग्जाम के टाइम पर सिर्फ रिवाइज किया जाए, लेकिन जो विद्यार्थी पूरी वर्ष भर नहीं पढ़ते हैं वो एग्जाम के टाइम पर याद करने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम के टाइम पर याद नहीं होता ज्यादा। वो आपके लिए निषिद्ध कार्य है और वह आपने इसलिए किया क्योंकि आपने समय पर जो तप करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए बच्चे अगर समय पर जो कहा जा रहा है वो करते रहें और जो उनके लिए निषिद्ध चीजें हैं उससे बचते रहें तो उनके लिए इस नियम के अनुष्ठान में लगे रहना ही उनका तप हो जाता है। जब बच्चे से कहा जाता है बेटा ज्यादा मोबाइल पर अपनी आंखें मत लगाओ, ज्यादा मोबाइल गेम के चक्कर में मत पड़ो, तो ये क्या है? ये निषिद्ध जो चीजें हैं उनको रोका जा रहा है। इसी का नाम नियम है। आचरण क्या करना? इससे दूर हटो, इससे तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा, आंखें भी खराब होंगी। यही नियम अगर उसे बचपन से बता दिया जाए कि जो चीजें निषिद्ध हैं उन पर अपने को फोकस नहीं करना, जो चीजें करने योग्य हैं वही करना, तो बच्चे को बड़े होने के बाद कहने की नौबत ही ना आए कि बेटा मोबाइल को 10-10 घंटे 8-8 घंटे नहीं देखा जाता है, ये नुकसानदेह है।
हम बच्चों को कभी ये नियम नहीं सिखाते। नियम का मतलब महाराज के पास ले जाएंगे, महाराज इसको कोई नियम दे दो। क्या नियम दे दो? मंदिर जाया करे नियम दे दो, रात में ना खाया करे नियम दे दो। नियम उसका क्या होना चाहिए? उसको ये बताना कि क्या चीजें निषिद्ध हैं और क्या चीजें विधेय हैं। ये बात बचपन से अगर बच्चों को बताई जाए, ये करने योग्य हैं और ये करने योग्य नहीं है, तो वो अपने आप महाराज के पास आकर के नियम ले लेगा। जैसे जैसे उसकी उम्र होगी, अब हमें ये नियम, अब हमें ये नियम, अब हमें ये नियम। ये समझदारी इस नियम की परिभाषा से बच्चों में आ सकती है। विधि निषेध ऐतिम महायत्त, कहते हैं एक विधि रूप कर्तव्य होता है और एक निषेध रूप अकर्तव्य होता है, और इन दोनों से ही आगम का निर्णय होता है। माने ये सब निर्णय जो है आगम के अधीन होते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगम का मतलब होता है इसी तरह के ऋषियों मुनियों के बनाए हुए शास्त्र, जिनसे हमें हे और उपादेय का ज्ञान होता है, क्या हमें करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ये डूज डजेंट का जो हमें नॉलेज हर जगह दिया जाता है, ये नॉलेज हमें इसी आगम के माध्यम से मिलता है। इसलिए आगम भी पढ़ना चाहिए, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आज समाज के लोगों के लिए। शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है? हम कह देते हैं जिनवाणी पढ़ो बेटा, क्यों पढ़ो? भगवान की वाणी है, उसके बिना तुम्हारे ज्ञान नहीं आएगा। लेकिन हम उनको ये समझाएं, शास्त्र पढ़ने से हमें ये पता पड़ता है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। हो सके तो अपने बच्चों के लिए कभी यही कहना कि कोई धर्मशास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन बेटा एक बार नीति वाक्यामृत जरूर पढ़ना। क्या सुना, क्या दिक्कत? इतना कठिन तो नहीं है कि वो अपने मन से भी पढ़े तो समझ में ना आए। और अब तो इतने शिक्षक तैयार हो जाएंगे, बच्चों को ग्रुप बना करके भी जो है बच्चों को ये शास्त्र पढ़ाया जा सकता है, है ना? तो सबके लिए ये एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। विधि और निषेध का ज्ञान हमें कहां से होगा? तो शास्त्रों से ही होगा। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी होता है। तत्खलु सद्भि श्रद्धेय मैतिम्यम यत्र न प्रमाण बाधा पूर्वा पर विरोध होगा। कहते हैं आगम कौन सा आगम होता है, शास्त्र कौन सा आगम होता है, तो सज्जनों के द्वारा वही आगम श्रद्धेय है जिसमें प्रमाणों से कोई बाधा उत्पन्न न हो और जिसमें कोई पूर्वापर विरोध की बातें न हो। यानी जिस ग्रंथ में पूर्व और बाद में कही हुई बातों के बीच में कोई विरोध उत्पन्न न हो, और जिस ग्रंथ के अंदर किसी भी तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से कोई बाधा उत्पन्न न हो, वही ग्रंथ हमारे लिए अवश्य पढ़ने योग्य होते हैं। हस्ति स्नानमेव सर्वम अनुष्ठानम अनियमितेंद्रिय मनोवृत्ति नाम। देखो जिसकी इंद्रिय और मनोवृत्तियां नियमित नहीं हैं, नियमित का मतलब है कहीं पर आपका मन फोकस्ड नहीं होता है, है ना? कोई भी काम आप नियमितता के साथ में नहीं करते हैं, आपकी इंद्रिय और मनोवृत्तियां चंचल हैं, तो उनके सभी अनुष्ठान कैसे होंगे? हस्ती स्नान की तरह है। मतलब हाथी तालाब में गया, नहा करके आया, और फिर बाहर निकलते ही उसने फिर से अपने शरीर पर धूल डाल ली, जितना साफ सुथरा हुआ था वो फिर से मैला हो गया। कोई भी तरह का धर्म अनुष्ठान या किसी भी तरह का आपका लौकिक कार्य तब आपको फल देगा जब आपकी इंद्रिय और मन कंसंट्रेशन के साथ में उस पर फोकस करते हुए उस कार्य को करें। इसलिए मन का नियमित होना भी बहुत जरूरी है। जिनका मन चंचल होगा, वो किसी भी कार्य में अपने मन को नहीं लगा पाते हैं, तो उनके सामने की परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, शरीर में रोग भी बढ़ते चले जाते हैं, शरीर में अनेक तरह के रोगों का कार्य कब उत्पन्न होता है? जब मन जो है अपने
कंट्रोल में नहीं रहता। मन अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो अपने विचार अपनी भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो हम किसी भी विचार से परेशान हो जाएंगे, हम किसी भी तरह की भावनाओं से अपने मन को परेशान में डाल देंगे। यह मन की कंट्रोलिंग करना हर किसी के लिए अनिवार्य है, अन्यथा वह व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, वह जितनी मेहनत करता है वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है मन की चंचलता के कारण से। यह चंचल चित्त वालों का यहां पर काम बताया जा रहा है, चंचल चित्त वालों के लिए क्या हानियां होती हैं बताई जा रही हैं। इसलिए आगम में लगने से भी, माने इस तरह के शास्त्र पढ़ने से भी हमारे चित्त की चंचलताएं दूर होती हैं। मन लग रहा है कि नहीं, बोलो तो लग रहा है? ये लग रहा है माने आप तप कर रहे हैं, आप अपने मन को नियमित कर रहे हैं, ये आप अपने ही मन को सुखी बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब आपका मन अपने आपके अंडर में होता है तो शरीर भी अपने आप सुखी होने लग जाता है, शरीर भी तप करने लग जाता है। बताओ, आप यहां बैठे होगे तो मन से बैठोगे तब बैठ पाओगे कि शरीर जब आपका साथ देगा तब बैठ पाओगे? अगर मन है तो शरीर को बैठना ही पड़ेगा। कितना भी कहीं गर्मी हो रही है, कष्ट हो रहा है, धूप आ रही है, हवा आ रही है, लेकिन क्या है, नहीं अभी बैठना है, अभी सुनना है, अभी मन को लगाना है, अभी बहुत अच्छी पर चर्चा चल रही है, अभी उठना नहीं है, तो सब कुछ कष्ट होते हुए भी वो मन को वहां शरीर बैठाए रखेगा। समझ आ रहा है? मन के लिए अगर नियंत्रण हो जाता है तो शरीर का नियंत्रण माने इंद्रियों का नियंत्रण स्वतः हो जाता है। क्या समझ आया? हाँ, मन को नियंत्रण करना इसलिए जरूरी होता है। और अगर कभी कभी देखा जाता है कि अगर आपने शरीर को भी नियंत्रित कर लिया तो भी मन को नियंत्रण किया जा सकता है। नहीं समझा? मान लो आपने मन बना के बैठ गए, संकल्प लेके बैठ गए कि नहीं, इस शरीर को मैं यहां से एक घंटे से पहले हिलाऊंगा नहीं, उठाऊंगा नहीं। अब मन को घूमने दो, क्या करेगा मन? धीरे धीरे मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। शरीर के नियंत्रण से भी मन में नियंत्रण आता है और मन के नियंत्रण से भी शरीर में नियंत्रण आता है। समझ आ रहा है? आता है कि नहीं आता? आता है। जिसका मन नियंत्रित नहीं है तो वह केवल अभ्यास करने लगे शरीर को बिठाने का, मैं आधा घंटा 20 मिनट इस शरीर को एक स्थिति में बिठा करके बस अपने वचनों को किसी भी एक चीज में लगाऊंगा या किसी भी एक पुस्तक में लगाऊंगा, किसी भी एक जगह वह लगाने का मन बना ले बस। जिसको मन को नियंत्रित करने का उपाय सीखना है तो यह बताया जा रहा है। मोबाइल में नहीं लगाना, ऐसे शास्त्र में लगाना। कोई भी ऐसा ग्रंथ ले लेना जो हमें थोड़ा भी अच्छा लगता हो, उस किताब को लेकर के, उस ग्रंथ को लेकर के बस हमें पढ़ना है। 20 मिनट तक हमें पढ़ना है, 20 मिनट तक हमें केवल ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः करना है। हमें नहीं मालूम इससे क्या होना है। हमें क्या करना है? हमें मन को नियमित करने के लिए शरीर को नियमित करना है। हर चीज का गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? तप करना है, इच्छा को रोकना है, मन की चंचलता को रोकना है। तो शरीर को स्थिर रखने के लिए आप संकल्प ले लो, 20 मिनट हम कुछ भी और कोई भी काम में नहीं लगेंगे, एक काम में लगे रहेंगे बस। ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये वाला प्रवचन सुन रहे हैं, या हम ये वाला मंत्र पढ़ रहे हैं, या हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस हम नमोरंता नमोसिद्धांत पढ़ते रहे 20 मिनट तक। अपने आप आपके मन के अंदर स्वस्थता आने लगेगी और मन नियंत्रित हो जाएगा। ये मन को नियंत्रित करने का वो उनके लिए तरीका है जो मन को किसी भी तरह से रोक नहीं पाते हैं। मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर। क्या सुना? एक दोहा बता रहा हूं। मन जाए तो जान दे,
तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर। क्या सुना? कमान जानते हो? कभी धनुर्धारी तो बने ही नहीं, तीरंदाजी तो कुछ करते ही नहीं हो। धनुष की कमान होती है, अगर वो कमान उतरी रखी है और एकदम से तीर चढ़ा भी दोगे उसके ऊपर तो वो कहीं नहीं चलने का, वो कहीं नहीं जाने का। समझ आ रहा है? मतलब कि तीर उतनी दूर जाएगा जितनी दूर उसके लिए कमान खींचेगी। उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर, कमान को उतार के रख दिया हमने। तीर कौन है? मन तीर की तरह तीक्ष्ण है, कहीं भी चला जाता है। लेकिन अगर हमने उसको एक जगह बिठा दिया तो मानो हमने उसकी कमान उतार दी, और कमान उतर गई तो वह धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा, उसकी गति ज्यादा नहीं जाएगी। बस उसके सामने विषय अच्छे, ऑब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, बस जो आपके लिए मोटिवेशन दे, जो आपके परिणामों में विशुद्धि लाए। ऐसी किताबें, ऐसी चीजें अपने सामने रखो, ऐसी ही बातें सुनो, और उसके माध्यम से 20 मिनट बैठ करके बस आप केवल ज्ञान और ध्यान का एक कार्य करो। ये मन को नियंत्रित करने का तरीका बताया जा रहा है। इसलिए नियम लेने वाले व्यक्तियों के लिए ये आपने देखा होगा, वो उन्हें नियम को पूरा करना है तो वो करते ही हैं किसी ना किसी तरीके से। 5 माला का नियम ले लिया, 4 माला का नियम ले लिया, तो अब वो नियम करेंगे ही, भले मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो। नहीं लग रहा तो भी उसे आप गलत मत समझो। आप मजाक बना सकते हो, व्यंग कर सकते हो कि भाई देखो माला फिर रही है हाथ में और दिमाग कहीं और चल रहा है। भैया कुछ भी चल रहा हो, उतनी देर तक के लिए अगर वो बैठा है तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को नियंत्रित कर रहा है। आप उसको एकांत रूप से गलत मत समझो। ये नियम का मतलब होता है। इसलिए नियम लिए जाते हैं ताकि हम उतने समय को नियम से उस कार्य में लगा पाए, है ना। ये नियम हमें चंचलता को बचाने के लिए होते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि चंचल चित्त वालों के लिए कोई भी काम अच्छा नहीं बनता, इसलिए हर काम को एकाग्रता से करने पर ही उस काम में अच्छा रिजल्ट आता है। दुर्भग आभरणमिव देह खेदावहमेव ज्ञानम स्वयमनाचरत। कहते हैं ऐसा ज्ञान जिसका आचरण खुद तो नहीं करता। क्या सुना? ऐसा ज्ञान जो किसी विद्वान के पास में है और वह उस आचरण को खुद तो नहीं करता, तो उसके लिए भी वह ज्ञान जो उसे सही कार्य में नहीं लगाता वह कैसा हो जाता है? दुर्भग के आभरण की तरह हो जाता है, है ना। दुर्भग का मतलब होता है कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, कोई कुरूप हो या दुर्भाग्यशाली हो, बिल्कुल ही कहना चाहिए दरिद्री हो, और उसके लिए आभरण पहना दिए जाएं, तो वह आभरण उसके देह को खेद ही उत्पन्न करने वाले होंगे, माने उसके ऊपर भार स्वरूप होंगे, उसे शरीर में क्लेश देंगे। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ऐसे लोग नहीं होते? कई बार इस तरीके के भी लोग दिखाई दे जाते हैं जो किसी भी तरह की वेशभूषा पहन लें, साज सज्जा कर लें, अच्छी उनकी शकल दिखाई नहीं दे सकती है। नहीं समझ आया? उनको कहते हैं दुर्भग नाम कर्म के उदय से कुछ ऐसे भी मुख शरीर आदि प्राप्त होते हैं। यहां मत देखो, यहां कोई नहीं है, यहां तो सब अच्छे सुभग वाले हैं। यहां जो बैठे हैं वो सब सौभाग्यशाली हैं, वो तो सब और कहीं मिलेंगे। दुर्भग का मतलब कुछ ऐसे लोग कभी कभी दिखने में आ जाते हैं जो कितने भी अच्छे अच्छे आभूषण अगर पहन लें, उनकी कहना चाहिए शरीर की अंग उपांग की इस तरीके की बनावट होती है कि उनके ऊपर कोई भी आभरण भी शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत अच्छा सोने का हार भी हो,
वो जैसा आपके गले में शोभित हो रहा है वैसा सबके गले में हो कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही बहुत ऐसा भी ज्ञान होता है जब व्यक्ति खुद आचरण में नहीं लाता तो वह ज्ञान उसके लिए खेद का कारण बन जाता है, क्लेश का कारण बन जाता है। माने देह पर जैसे बोझ हो गया आवरण, ऐसे ही मन के ऊपर वह बोझ हो जाता है ज्ञान। जिस ज्ञान में उस ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान और आचरण ये दोनों ही जरूरी हैं। ज्ञान के बिना हम अंधे होते हैं और आचरण के बिना हम लंगड़े होते हैं। नहीं समझे? ज्ञान के बिना हम अंधे होते हैं और आचरण के बिना हम लंगड़े होते हैं। मानो किसी जंगल में एक अंधा व्यक्ति है, किसी जंगल में एक अंधा व्यक्ति है और जंगल में आग लगी हुई है, कैसे निकलेगा जंगल से? निकल पाएगा? और वहीं पर कल्पना करो कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़े व्यक्ति के पास में आंख है, उसको भी दिख रहा है कि जंगल में आग लगी है, वो भी दौड़ना भागना चाह रहा है, वो भी जंगल पार नहीं कर पाएगा। और अंधा व्यक्ति है, उसको भी सुनने में आ रहा है कि जंगल में आग लगी है, पैर है, दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन वो भी पार नहीं कर पाएगा। क्या तरीका है? सुन रहे हो कि नहीं? अब वो अंधा कहे कि भाई मैं दौड़ सकता हूं, और लंगड़ा कहे कि भाई मैं दौड़ नहीं सकता, तो वो जो है अंधा अपनी अंधता पर कोसता रहे और लंगड़ा अपनी लंगड़ेपने पर कोसता रहे तो दोनों कोसते रह जाएंगे। युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? अंधे के कंधे पर अगर लंगड़ा बैठ जाए और लंगड़ा उसको रास्ता बताता चला जाए तो दोनों उस जंगल से पार निकल जाएंगे। समझ आ रहा है? ज्ञान और चारित्र की महिमा को समझने के लिए ये उदाहरण हमेशा याद रखना। ज्ञान होते हुए भी अगर वह चलने के लायक नहीं है तो वह ज्ञान भी बोझ बन जाता है, और चलने की क्षमता होते हुए भी ज्ञान नहीं है तो वह अंधे की तरह असमर्थ हो जाता है। इसलिए कहा गया ज्ञान के साथ में आचरण या क्रिया करना भी जरूरी होता है। सुलभ खलु कथक एव परस्य धर्मोपदेशे लोकः। सुन रहे हो? बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं। क्या कहते हैं? ऐसी कथावाचक बहुत सुलभ हैं जो दूसरों के लिए लोक में धर्म का उपदेश देते रहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कथावाचक की तरह, कथक एव मतलब कि हर कोई कथावाचक बन सकता है। समझ आ रहा? कथावाचक बनने के लिए कोई आचरण की आवश्यकता नहीं है। आपको कथा करनी है, भगवान की कथा करने के लिए कहीं भी बैठ जाओ, चलो भैया मैं भगवान की कथा सुनाता हूं, मैं राम की कथा सुनाता हूं, हनुमान की कथा सुनाता हूं, कोई भी बैठ जाएगा कथा करने के लिए। ये सुलभता से मिल जाते हैं कथक, जो आज देखने में भी आ रहे हैं। माने उस जमाने में भी कथक रहते होंगे जब आचार्यों ने ग्रंथ लिखे होंगे। तो कथावाचक की तरह धर्म का उपदेश देने वाले लोक में लोग सुलभ हैं। प्रत्यहम किमपि नियमेन प्रयच्छतः तपस्यतो वा भवत्यवश्यं महीयांसः परे लोकाः। है ना? ये कहते हैं प्रत्यहम माने प्रतिदिन, किमपि नियमेन कुछ भी नियम से, प्रयच्छते माने दान देना अथवा तपस्या करना, किसी भी नियम के माध्यम से कुछ भी थोड़ा बहुत देने वाले और किसी भी तरह के नियमों से कोई भी अपने मन और इंद्रियों को बांधने वाले लोग अवश्य ही इस लोक में महीयांस माने महान संपत्तियों के धारक हो जाते हैं। सुन रहे हो?
कितने बड़े बड़े लोग हों, कितने ही बड़े बड़े अमीर पति हों, है ना, और अरब पतियों की श्रेणी में आने वाले जो लोग हों, आप उनसे पूछना कि वो किस तरह से तप करते हैं और किस तरह से त्याग करते हैं। हाँ, दोनों काम करते हैं तभी होता है काम। तो जो आदमी जितना धन का ज्यादा संग्रह भी करता है, वह आदमी आप देखोगे उतने बड़े बड़े दान आदि के कार्य भी करता है। जितने बड़े बड़े लोग होंगे उनकी न जाने कितनी स्कूलें, कितनी अनाथालय, हॉस्पिटल, न जाने क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ धन का इस तरह से त्याग करते रहते हैं और उसके बावजूद भी अपने काम पे पूरा फोकस रखते हैं।